ये हमारे जथेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी मोहाली मंडी वाले उड़ना दल, हम 5 महीने से यही हैं। पर जे हुण साडे नाल फेर इह वधीकी करनगे तां फिर इहनां नूं इंदिरा गांधी नूं याद कर लेना चाहिए, मसे रंगण नूं याद कर लेना चाहिए भी ये जिहड़े ने ये घर जाके मारदे ने, ये असीं घर जाके फिर सौदे लावांगे। जे अगर ऐसी कोई साडे उत्ते कोई इन्हां ने कोई कार्रवाई करन दी कोशिश कीती करे तो हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है कोविड 19 के जो हॉस्पिटल है उनको उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों ने और काफ़ी किसानों को चोट आई है उसको लेकर के काफ़ी। मैं खास इंटरव्यू लिया करूँ ज़्यादातर हमारे साथ निहंग फौज जो गुरुओं की प्यारी प्यारी सेना बोली जाती है, तो हमारे साथ में मौजूद है इनके दम पे आगे की तरफ इनका एक मेन डेरा है वहाँ पर ये खड़े हुए हैं, एक इनके दम पे भी को जो है आंदोलन की मजबूती देखने को मिलती है क्योंकि इनमें जोश दर्ज देखा जाता है काफ़ी मजबूती के साथ और इनके घोड़े यहाँ पर बंधे हुए हैं। और आइए इनसे बातें करेंगे, देखिए किस तरह से ये अपने यहाँ पर खड़े हैं अपने हथियारों से लैस, किस तरह से इनके हाथों में हथियार देख सकते हैं और काफ़ी जो है इनका नमस्कार सत श्री अकाल जी। हाँ जी, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। अच्छा जी, कल आपने पता है वहाँ पर किसानों के साथ क्या हुआ हिसार में जो? हाँ जी, हिसार में सरकार है जी ये मारू नीतियाँ से चल रही है इस वेले, ये चाहती है भी इन्हों का जोड़ा गल के जी रस्सी पाई है भी इन टैट कर दिए भी इन्हों गड्डी चढ़ा दिए इन्हों मारीे इन्हों बचा ना है। हाँ जी ये गल है, होर सरकार ने कदे कोई तरीका कदे कोई हुण करोना का ला ला लै लिया प्रोग्राम भी करोना की पहलों छुट्टी पर चला गया ही या करोना पहला सुता पिया ही, कहते तीन दिन फलाने शहर के लॉकडाउन, 3 दिन फिर दूजे शहर के लॉकडाउन की भाई वो जो इन्ने दिन जो छुट्टी दे होगा फिर 3 दिन वो बिल्कुल। अभी एक बात करी जाए तो सबकी जुबान पर एक ही बात है कि काले कानून जो आप बोल रहे हो ये कब तक सरकार मान लेगी? आखिर अभी तक तो कोई सरकार बात करने को भी तैयार नहीं है और बंगाल चुनाव के बाद वहाँ पर जो हार देखी गई उनकी तो कहीं ना कहीं किसानों का हौसला फिर बढ़िया था, तो अभी बात एक है कि ये कानून कब रद्द होंगे, आखिर ये कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? हाँ कब तक डटे रहेंगे सर आप यहाँ पर? असं जी अपना जो तुरे हैं ना असं अपना सिर पर कफन बन के तुरे हैं, सानू कोई जिंदगी नाल प्यार नहीं, जो साडे भराव किसान भरावान दे कोल जमीन ही ना होगी तो फिर उन्होंने जीके भी की लैना जी, क्यों जिहड़ा बंदा किसी का कोई दुकान करने वाला उन्होंने दुकान नाल प्यार है, जो भी कोई दुकान लुट लवे वह बंदा मरन तक जाता, इस तरह जिहड़ा किसान है उहदा जमीन दे नाल मां वर्गा मां ते पुत दा जिहड़ा रिश्ता है किसान दा जमीन दे नाल, ते इह जिहड़े हुण जिवें इन्हां ने कानून इह हत्थ पता किवें सट रीढ़ दी हड्डी ते मारी है, जो सट कि माड़ी मोटी मोढ़े ते जां गोडे ते मारी होवे उहदा बचा हो जाता, सरकार ने जिहड़ी सट आ उह साडी रीढ़ दी हड्डी ते मारी हुई है, बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी कीमत दे उत्ते, सानू भावें जिन्ना चिर मर्जी बिठा के रखण असीं बैठण वास्ते तैयार हैं, जिन्ना चिर नहीं कानून रद्द करदे, जे ना कानून रद्द कीते इन्हां ने ऐतरी शांतमई तरीके नाल बैठिया फिर घराओ करांगे असीं, इन्हां लीडरां दा घरां दे विच्चों कोठियों चो निकलना बंद कर देंगे। हथियार लैस जो ये इनके पास रहते हैं तो किस तरह से मजबूती के साथ लड़ोगे आप? देखो जी जिहड़ा हुण युग है ना ये हुण हथियारां नाल लड़न की लोड़ नहीं, इन्हां नूं कलम दे नाल मारना है, जिस तरह जफरनामे दे नाल औरंगजेब नूं मारा सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मारिया सीगा, अगर जे कोई ये कोई इहोजा कठोर कदम चुकदे आ कोई साडे ते पथराव आ साडे दे उत्ते कोई लाठी चार्ज करदे आ जां सानूं जबरदस्ती इत्थों उठाउण दी कोशिश करदे आ तां फिर घट साडे वल्लों नहीं होगी, असीं वी मत्था पूरा लावांगे भावें जान चली जावे सिर भावें वड्या जावे, जे हुण इक मुहिदा असीं वादा करके बैठे हाँ किसानां दे नाल भी जिन्ना चिर तुसीं बैठे हो असीं तुहाडी ढाल बन के बैठे हाँ, तो फिर ढाल दा काम तो इहो हुंदा ना भी सुरक्षा करे, तो असीं पूरी तरह सुरक्षा करांगे जिथे तक साडा जोर पऊगा असीं अपने उत्थों तक पूरा पहरा देवांगे। कितने भी यहाँ पर अपनी ये जो निहंग फौज है कितनी संख्या में है और किस तरह से यहाँ पर घोड़े जो देख रहे हैं कितने अपने निहंग फौज जो यहाँ पहुंचे? देखो जी साढ़े इतने एक एक सिंह 1.25 लाख के बराबर होंगे जी जी, असं जो एक कहने उन्होंने एक नहीं कहें 1.25 लाख कहने
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜੋੜੋ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਅਭੀ ਦੇਖਣ ਕੋ ਮਿਲਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਔਰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬੁਲਾਏ ਇੱਕ ਔਰ ਬੁਲਾਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥਾ ਔਰ ਵੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣਾ ਦਲ हम 5 महीने से यहीं हैं और जो हमारे बाबा जी का हुक्म होगा हम वही मानने को तैयार हैं जो हमारे बाबा जी कहेंगे भी वही हम मानेंगे बिल्कुल देख सकते हैं आप कितना छोटा जो निहंग एक गुरुओं की प्यारी प्यारी मैं बार बार फिर बोलता हूं आखिर कब तक चल रहे मतलब आपको क्या लगता है सरकार कब तक मान लेगी सरकार नु मानना ही पड़ना जी भावें अज मान जाए भावें कल मान जाए इन्हों का खेड़ा है मन के ही छुटना वा जे अगर घर नहीं मानते है सानू इतों देड़ खदेड़ देंगे ने तो फिर वो अंजाम वास्ते दिल्ली अपने आप को तैयार हो जाए ये हुण घट नहीं होनी सानू बड़ा 47 तो ला के सानू 47 तो ला के जख्म दिते जा रहे हैं 84 दे विच सानू मारिया गया सानू खत्म करने की कोशिश की गई उस तों बाद किन्ना लंबा समा 22 साल साडा जिहड़ा घाण हुंदा रहा पर जे हुण साडे नाल फेर ये वधीकी करनगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ तो आप देख सकते हैं कितना इनमें अभी जो है जोश है कि किस तरह से किसान यहाँ पर और खासकर इनकी मैं इंटरव्यू लेने की पूछा था अच्छा अपने ये घोड़े हैं इनके चारे के लिए कहाँ से व्यवस्था मिल रही है कहाँ से लाया जाए हाँ जी ये चारे वास्ते जिन्हें किसानों भरावों वास्ते असं बैठे हैं और वो चारा भेज रहे हैं वो बदमों दोरिया भेज रहे हैं सानू बदम भेज रहे हैं घोड़ों वास्ते दाणा भेज रहे हैं राशन भेज रहे हैं घ्यो सवेरे खा के सिंह डंड बैठक मारते होंगे असीं तो पूरी तैयारी करते हाँ असीं तो जिहड़ा खालसा वो तो सदा ही जंग वास्ते तैयार रहिंदा बिल्कुल अभी व्यवस्था को लेकर जैसे गर्मी बढ़ रही है और काफ़ी जो गर्मी बढ़ रही है तो किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है पूरे इंतजाम किए हुए हैं जी आ देखो पिछे ट्रालिया ने दो खड़िया ने दोनों में एसी ला रखे ने ये देख सकते हैं भैया पिछे हाँ जी दोनों में एसी ला रखे ने नज़ारे लेंदे ने परौंठे खा के देसी घी वाले घराड़े मारते हैं मौजना सिंह बिल्कुल मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हमारे गुरु जी से मैं गुरु जी कहूँगा क्योंकि आप भी देख सकते हैं आप दिल्ली में कितना कोरोना बढ़ा हुआ है और अपने जो किसान भाई जो बैठे हैं एकदम ना मास्क यूज करते और फिर भी ये स्वस्थ है तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका आपको डर नहीं लगता देखो जी जेड़ा मास्क है ना ये एक बड़ी तगड़ी बीमारी है असं ऑक्सीजन लेने कार्बन डाइऑक्साइड जी छड़ते हैं पर जेड़ा मास्क है कार्बन डाइऑक्साइड जी छड़ता तो उन्होंने ही अंदर लेके जाता है सब तो बड़ी बीमारी तो यह मास्क है तो साढ़े इतने कोई भी और जदों से अं बैठे इतने कोई केस नहीं होया करोना का कोई मतलब नहीं करोना का ना कोई आ ही सकता करोना का महाराज जी इन्हों लोगों आनी है जोड़े बंदे इतने बैठे ने अंदर मौज ना अंदर बैठे ने कमर के लोगों का धन खाधा होया गरीबों का लहू चूसया होया उन्होंने करोना भावें जिते मर्जी बढ़ जाए भावें मास्क ला उन्होंने जाके करोना ने फड़ लेना जिहड़ा बंदा धर्मी आ जिहड़ा बंदा अपने हक सच के उत्ते आ जिहड़ा बंदा अपनी मेहनत करता है मेहनत मजदूरी करके अपना प्रशादा पानी छकता है उन्होंने कोई करोना नहीं है।